ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है अगर हम बात करें तो और बहुत दुख की बात है इस तरीके की मतलब अब पता नहीं अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं संडे वार्ता में इस तरह की बात बट इंपॉर्टेंट भी है ये तो मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है जिन वैल्यूज़ के साथ मैं बड़ी हुई हूँ नैतिक शिक्षा में हम लोग पढ़ते थे सातवीं क्लास में कि जो कबीर के दोहे हैं बहुत सारे उनमें से वन ऑफ द मतलब दोहा कह सकते हैं कि जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान तो ये उस टाइम का मतलब तरीका था ये वैल्यू सिस्टम है हमारे इंडिया का तो बड़ी गलत बात है अगर इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है स्पेशली नाम पे या और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़, चीज़ों को उठा करके क्योंकि अभी मेरे ही कितने सारे फैन चैनल बने हुए हैं या टेढ़े मेढ़े चैनल बने हुए हैं जिसको छोटी सी क्लिप निकाल करके कुछ भी बना देना राई का पहाड़ या कुछ भी कॉन्टेक्स नहीं नुआंस है ही नहीं गायब कर दिया नुआंस कोई कॉन्टेक्स नहीं बस एक तीस सेकंड दिखा दो अब तीस सेकंड में आगे की बात पीछे की बात मतलब ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है सोशल मीडिया पे और मुझे भी मतलब ये बात बुरी लगती है कई बार देख करके तो बिल्कुल मतलब ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क शायद ही मतलब अगर हम बात करें यूट्यूब की या इन जनरल भी तो उतना टीचिंग जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उ, उस संख्या में या वो रिस्पॉन्स शायद ही किसी को मिला हो अमेजिंग मतलब, लगता है देख करके और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती हैं तो मतलब लगता है कि क्या यार बट ठीक है जो मतलब शिखर पे होता है या एक कुछ विशेषता होती है उन्हीं की बात होती है उन्हीं के लिए उस तरीके की चीज़ें भी होती है नेगेटिव है हालांकि ऑब्वियसली लर्नर्स या टीचर्स सपोर्ट में है और होना भी चाहिए